जय श्री राधे। तो आज हम आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में बताएंगे। पुष्य नक्षत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है? पुष्य नक्षत्र को ही सबसे शुभ नक्षत्र क्यों माना गया है? पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। गुरुवार के दिन पुष्य योग होना सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। इस योग को गुरु पुष्य अमृत योग भी कहा जाता है। यह नक्षत्र स्थायी है। जो लोग इस नक्षत्र के दौरान कोई भी चीज खरीदते हैं, उस वस्तु का अस्तित्व लंबे समय तक के लिए बना रहता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदारी, व्यापार व भी खातों के लिए काफी शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में यात्रा शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना हो या फिर गुरु से गुरु मंत्र लेना हो, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक अनुष्ठान, राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने के साथ ही यह योग लीडरशिप क्वालिटी को भी बढ़ाता है। पुष्य नक्षत्र की धातु सोना है, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी लोग भी पुष्य नक्षत्र के आने पर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राधे।